अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने रमज़ान की टोटली रेमेडीज़ के, मतलब मैं रमज़ान के खाने की सारी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करके पहले ही रख लेती हूँ, ताकि रमज़ान में जो है ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में वेस्ट हमारा ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ठीक है। तो वो मैंने सारा करके व्लॉग में जो है लास्ट व्लॉग में मैंने अपलोड कर दिया, वो आप जाकर चेक कर लीजिए। आज का सीन ये है कि अहमद रज़ा का जो है वो है आज रिज़ल्ट, आयत नूर का कल आ चुका है, तो आज हमने जो है अहमद रज़ा का रिज़ल्ट लेने जाना है और उसके साथ साथ जो है आयत का स्कूल में एडमिशन करना है। और उसके बाद जो है कल से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो आज ही जो है अम्मी ने कहा था कि ईद के लिए आपको जो भी चाहिए आप जाके मेरे साथ बाय कर लो। तो हमने कहा था कि हमें ड्रेसेस और इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए किचन के लिए एक प्यारा प्यारे से मारिया का। मेरा तो कुकिंग रेंज है था, लेकिन मारिया का जो चूल्हा था ना वो थोड़ा दूसरे स्टाइल का, तो कह रही थी कि जैसा आपका है ना, जैसे मैंने अम्मी को लेकर दिया था, मतलब अम्मी ने लिया तो खुद ही था लेकिन पसंद मैंने किया था, तो मुझे कह रही थी मुझे भी वो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है हम दोनों, अम्मी ने कहा आप दोनों एक ही तरह की चीज़ ले लो जो भी आपको चाहिए। तो अम्मी के साथ आज हमें बाज़ार भी आना है और वो चूल्हे भी लेके आने हैं और अहमद का रिजल्ट भी लेना है, आयत का एडमिशन भी करवाना है और इनका बैग भी परचेज करने जाना है आयत के लिए, न्यू चीज़ें बुक्स टोटली, मतलब आज सारा काम जो है वो हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि कल से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो है रोज़ा रखे तो इतना स्ट्रगल नहीं होगा। तो अभी जो है सबसे पहले अहमद रज़ा को रेडी करते हैं, उसके स्कूल चलते हैं, फिर उसके बाद जो है देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। पहले स्कूल जाएंगे, उसके बाद जो है उसकी बुक्स और बैग लेने जाएंगे, उसके बाद अम्मी के साथ मार्केट जाएंगे, फिर आके खाना शाना खा के व्लॉग एंड करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले अहमद के स्कूल। उससे पहले वीडियो पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब चलते हैं अहमद के स्कूल। आपने साथ जाना, चल। सो फाइनली वी एंटर द स्कूल, ठीक है। इस तरीके से स्कूल का रिज़ल्ट जो अनाउंस करा इस तरह टीचर्स और सारी, वो वहाँ पे मैडम है, तो अभी देखते हैं अहमद का क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे अहमद रज़ा का जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है, तो अभी और बच्चों के आ रहे हैं, जैसे अहमद का आता है उसका भी मैं लेती हूँ। तो अभी ये माशाल्लाह अहमद रज़ा का नाम अनाउंस हो गया है, थर्ड पोजीशन इसकी आई है माशाल्लाह से, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, हाँ मुबारक हो, बच गए हो तुम, ठीक है। वहाँ से एक क्लिप लूँगी एंट्रेंस का, स्माइल करो बड़ी वाली, चल। उसके बाद रास्ते में हमने खाई थोड़ी सी साइलेट, ये मेरी है, सिस्टर पीछे बैठी है, वो अपना एंजॉय करे, ओए अपना खाओ मेरे में ना लगाओ। तो जी फाइनली हम लोग जो है वो घर आ चुके हैं, आप बच्चों को सरप्राइज दिखाते हैं। उमर आयत, भाई को ट्रॉफी मिली है, भाई थर्ड पोजीशन आई है, ट्रॉफी ट्रॉफी ये वाली शील्ड ये वाली मिली है, प्यारी है जी। भाई को कहो तो सही, भाई कंग्रेचुलेशन, आपको भी मिला है ना आयत, आपको भी थर्ड पोजीशन आई है, अब क्या करना है आयत नूर, फोन छोड़ो, अब क्या करना है, पिज्जा लाएंगे, पार्टी करनी है, ओए होए अमर दा, चलो दोनों बहन भाई की थर्ड पोजीशन आई है ना। अच्छा जी, कल हम गांव थे तो रुखसार का आयत का रिज़ल्ट आया था, तो उसका इसकी ट्रॉफी ये पड़ी है, उसको जो कप मिला है, ठीक है। इसके साथ अब अहमद की भी रख देते हैं, फिर इसके पापा आएंगे तो जहाँ पे इनके पहली क्लास की ट्रॉफीज पड़ी है ना वहाँ पे इसको भी रखवा देंगे, तो ये दोनों की हो गई। यहाँ पर कहाँ से आए हो, क्या हुआ वहाँ पर, किसने ऊँची बोलो ना, डर क्यों रहे हो, बोलो क्या हुआ, इनाम दिया, क्या दिया बताओ, कितने पैसे दिए, दिखाओ दिखाओ भी तो सही, ये तो मैं ठहर पुत्ता हमारी पोजीशन पे मिला है, थैंक यू बोल के आयो, चल ठीक है, चलो जाओ अब अपने पैसे रखो और इसकी चीज़ खा लेना, ठीक है। ओ,
नया चूल्हा लेना है हमें। अच्छा जी, कूलर स्टार्टिंग से कूलर पे ने उनकी करा चूल्हा ले लिया जी, हमने चूल्हा ले लिया। ये डिजाइन, हाँ जी हमें आटा लाओ केड़ा लगा लगा, कौन सा लें? पिंक वाला नहीं, रेड रेड वो भाई ने पकड़ा हुआ, वो ऑप्शन है। ठीक है ये चलो। हाँ जी जी, ये हमारी अम्मी ने हमें गिफ्ट किए हैं ईद के लिए, ये वाले। हमने कहा था हमने ड्रेसेस नहीं लेने हैं ना मॉम, ड्रेसेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप हमें ये ना ये लेते, चूल्हा लेते। मुझे ये येलो वाला तो बड़ा गंदा लग रहा है। ये अम्मी ने कहा है ये वाला, ये ले लो, लेकिन मैंने कहा है कि रेड में हो जाए ना, मेरे फ्रिज के साथ जो मिलता जुलता वो। ठीक है मॉम, आ गया चूल्हा देख लो। लो जी, ये हमने डिसाइड किया है मैंने और मारिया ने सेम। ठीक है, ये दोनों पैक कर दें यहाँ पे। हाँ जी गाइस, ये मामा ने हमें ईद का गिफ्ट दिया है। ठीक है, कहें ओके ओके। हाँ तो ये एक ये है और एक सेम ऐसे ही मारिया का ये बड़ा है। ये भी ओपन करना भाई, दिखाएं। हाँ जी, ये सेम हमने दोनों एक जैसे ले लिए हैं, क्योंकि मामा ने कहा था चेंज नहीं करना, एक जैसा डिज़ाइन रखना है ना। हाँ तो हमने एक जैसे डिज़ाइन रखे, ये भी और ये भी सेम ले लिए। चलें जी, चूल्हे पैक हो गया, ये वाला तो पैक हो गया, ये हो रहा है। यहाँ पे हमारी बन रही है रसीद, ये भाई बना रहे हैं। बहुत खुश है अम्मी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी गाइस। हमने चूल्हे ले लिए हैं, पापा को कॉल किया कि आप आए गाड़ी लेके और ये घर ले जाएं। पापा ने कहा है जैसे गांव में रोटी देने नहीं जाते, एक एक चूल्हा सिर पे चुको तो सीधे रास्ते का। तो पापा लेके आ रहे हैं, एक साल की हमें गारंटी भी इसकी दी है, तो अल्लाह अब हमारी किस्मत में करे। बिल्कुल जी, अम्मी ने ईद का गिफ्ट दिया। अम्मी कहती है एक बोलो, मैंने गिफ्ट दिया, मैंने गिफ्ट, हाँ जी गाइस अम्मी ने गिफ्ट दिया। मैंने दूसरी बार रिपीट करती है, अम्मी आपने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे भी दिया है, मारिया को भी दिया। ठीक है, ले ले, और भी कुछ चाहिए तो देख ले, आपके घर के लिए अगर कुछ चाहिए तो। ठीक है, अब जैसे पापा आते हैं तो पापा को दे के, पापा के हैंड ओवर करके फिर चलते हैं हम भी घर की तरफ, पापा के साथ ही जाएंगे। पापा का वेट कर रहे हैं, जैसे पापा आते हैं फिर। मैं बिची लगल हूँ मेरा ज्यादा, तो जो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं और पापा ने ये दोनों ला के यहाँ पे बेड पे ना, तो मैं चक्रे मिली डॉल, प्यारी प्यारी डॉल। टूट जाएंगे बेटा, कांच के शीशे के ऐसे नहीं करते, खोलना नहीं अभी। तो जी फाइनली सारे काम जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुके हैं, थक हार के हम आ गए हैं, बैठ गए हैं सुकून से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।